नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और आज हम हरियाणा जीके के टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो बिल्कुल करंट के क्वेश्चन हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो आप ये मैंने एमसीक्यू के रूप में रखे, तो ये टेस्ट की फाइल है, वो आपको मैं पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कराऊंगा। फेसबुक पेज टारगेट विद गोस्वामी पे भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा, तो ये आप खुद टेस्ट लगाइए, देखिए कि 25 में से आपके 20 क्वेश्चन ठीक होते हैं, तो मैं मानूंगा कि आपकी तैयारी है वो बहुत अच्छी है। और ये कलर का एग्ज़ाम है जो 21-22-23 को आपको वो इजीली निकल जाएगा। करंट अफेयर और इंडिया, जो इंडिया जी के करंट, हरियाणा जी के, ये सारी चीज़ें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़्यादातर जो पोर्शन है वो जीके का ही है। तो सिलेक्शन के लिए सारी चीज़ें, स्ट्रेटेजी वीडियो भी बनाई थी आपके लिए, वो नहीं देखिए तो आप दोबारा देख सकते हैं, एक बार देख मतलब देखिए, उसके अनुसार आप तैयारी की है तो काफ़ी, मुझे लगता है कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होगी होगी। इसके साथ साथ हमने 350 क्वेश्चन की एक प्रीवियस ईयर की वीडियो, तो वो नहीं देखिए तो वो भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन भी रिपीट किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमने एक 100 क्वेश्चन की और एक 50 क्वेश्चन की, 50-50 के दो, मतलब 200 क्वेश्चन की जो 2-3 वीडियो वो भी डाली हुई है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वो सारी वीडियो देखें। अब हम लगाते हैं ये टॉप 25 क्वेश्चन। चलिए, अभी तक चैनल पे आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जितने ही इंपॉर्टेंट वीडियो आए वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नोटिफिकेशन फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा साहित्य अकादमी, हरियाणा साहित्य अकादमी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको? पूर्णमल गोड को। पूर्णमल गोड को है वो हरियाणा साहित्य अकादमी का निदेशक नियुक्त किया गया है। क्लियर है? पूर्णमल गोड हैं वो सोनीपत से हैं, ये भी याद रख सकते हैं। जैव विविधता दिवस हरियाणा में पहली बार कब मनाया गया? तो जैव विविधता दिवस की हम बात करें तो 22 मई 2019 को मनाया गया पहली बार। किन्हें हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग का नया सदस्य नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया? नरेश सरदाना को, नरेश सरदाना को नया सदस्य किसका? विद्युत विनियामक आयोग का। माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने के बाद किस हरियाणवी पर्वतारोही की मृत्यु हो गई? तो रवि ठाकुर माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर, जो माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर, जिसकी ऊंचाई पहले 8848 थी, तो वहां तिरंगा फहराने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। हरियाणा के किस योग खिलाड़ी ने दुबई में आयोजित तीसरी अंतर्राष्ट्रीय योग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो जनक राज ने ये अंतर्राष्ट्रीय योग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। 20वीं पशुपालन कार्य हरियाणा में कब शुरू हुआ? तो ये कब शुरू हुआ? 27 फरवरी 2019। नो कास्ट नो रिलीजन नो गॉड सर्टिफिकेट हरियाणा के किस युवक को मिला है? तो ये रवि कुमार टोहाना से हैं, फतेहाबाद टोहाना से, इनको रवि नास्तिक के नाम से अब जाना जाएगा, क्योंकि इनको नो कास्ट नो रिलीजन नो गॉड का सर्टिफिकेट मिला है तहसील से। किस शहर में एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप 2018 का आयोजन किया गया? तो ये कहाँ किया गया? चंडीगढ़ के अंदर। मई 2019 तक हरियाणा में भावांतर भरपाई योजना के तहत कितने किसानों को लाभ दिया जा चुका है? तो 3978 किसानों को भावांतर भरपाई योजना के तहत जो लाभ मिल चुका है, इसके अंदर आलू है, प्याज है, टमाटर है, बंद गोभी है, इनको शामिल किया गया, जो 500 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य इनका निर्धारित किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत हरियाणा के किस जिले को PC&PNDT एक्ट को सही ढंग से लागू करने के लिए पुरस्कार दिया गया है? तो ये किसको दिया गया है? कुरुक्षेत्र को दिया गया है। क्लियर है? ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पानीपत से शुरू किया गया था, इसकी ब्रांड एम्बेसडर जो है हरियाणा साक्षी मलिक और भारत से परिणीति चोपड़ा है, सोनीपत से अनु कुमारी है और रेवाड़ी से अंजलि शर्मा है। हरियाणा के किन दो खिलाड़ियों को मंगोलिया में आयोजित एशियन अंडर 23 महिला कुश्ती चैंपियनशिप स्वर्ण पदक मिला? तो नैना और कविता को। ठीक है। मिस इंडिया डिफ कंपटीशन 2018 खिताब किस हरियाणवी ने जीता है? तो ये किसने जीता है? अंजलि शर्मा, रेवाड़ी से अंजलि शर्मा। इनको जो है मैंने आपको बताया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रेवाड़ी से ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसके खिलाफ हरियाणवी बॉक्सर विजेंद्र कुमार ने अपनी 11वीं प्रोफेशनल बॉक्सिंग जीती है?
तो माइकल माइक स्नाइडर के खिलाफ। हरियाणा में मादक पदार्थ तस्करी पर रोक लगाने के लिए किस सेल का गठन किया गया? तो एंटी नारोटिक्स सेल का गठन किया गया, एंटी नारोटिक्स सेल का गठन किया है। किस पहाड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण की इजाज़त देने वाले हरियाणा के कानून पर रोक लगाने का निर्देश दिया है? तो अरावली पहाड़ी पर। ठीक है, हरियाणा के अल्ताफ हुसैन अली का जन्म कब हुआ? तो अल्ताफ हुसैन अली पानीपत में इनका जन्म हुआ था 11 नवंबर को। प्रदेश के कितने खंडों को सक्षम खंड घोषित किया गया है? तो 94 खंडों को है वो सक्षम खंड घोषित किया जा चुका है। कौन हरियाणा लोक सेवा आयोग HPC के नए चेयरमैन है? HPC हरियाणा लोक सेवा या हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन 1 नवंबर 1966 को बना। तो रंजीत कुमार पंचनंदा HPC के नए चेयरमैन बने हैं, इससे पहले मनबीर सिंह भंडाणा थे। किसानों के फसल पंजीकरण करने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सा पोर्टल बनाया है? तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल तैयार किया गया है। 33वें सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन तो ये किसने किया था? महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने। पहला सूरजकुंड मेला 1987 में लगा था, सूरजकुंड फरीदाबाद। पानीपत रिफाइनरी पर NGT ने प्रदूषण फैलाने पर कितना जुर्माना लगाया? तो ये 17.31 करोड़। हरियाणा में कहां पर उत्तर भारत में सबसे भव्य इस्कॉन श्री कृष्ण अर्जुन मंदिर का निर्माण कराया गया है? तो ये कहां पे करवाया गया? कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र धर्मनगरी 360 धार्मिक तीर्थ स्थल के लिए जो है जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया था, ज्योतिसर कुरुक्षेत्र के अंदर ही। किसने महेंद्रगढ़ चरखी दादरी भिवाणी नारनौल भौगोलिक क्षेत्र की शहरी गैस वितरण परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये हरियाणा के शिक्षा मंत्री पर्यटन मंत्री रामविलास शर्मा ने। विनेश फोगाट ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2019 में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड स्वर्ण पदक जीता है। किसने विवेक विचार व विवेक दोहावली नामक पुस्तकें लिखी हैं? तो ये नरेंद्र आहूजा ने। किसने लिखी हैं? नरेंद्र आहूजा ने। तो ये टॉप 25 क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर के। तो इसको आप अच्छे से इस टेस्ट को लगाइए, देखिए कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। और आप 350 प्रीवियस वाले क्वेश्चन, इसके साथ साथ 100 टॉप क्वेश्चन और टॉप 50 के दो पार्ट हैं तो वो ज़रूर देखें। इससे आपको आने वाले HSSC कलर के एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।